अगर आपके मन में है सवाल, अगर इंडिया पे फेसबुक बंद हो जाएगा तो हमारे जो पबजी अकाउंट है, जो फ्री फायर गेमिंग अकाउंट है, उसका क्या होगा? क्या वो अकाउंट हमेशा के लिए चला जाएगा या फिर हमें वो अकाउंट खो देना पड़ेगा? इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरीके से क्लियर करके बताऊंगा। एंड वीडियो अगर आप पूरा देखते हो तो आपको 100% मैं लिख कर देता हूँ नॉलेज मिलेगा क्या होगा आखिरकार। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता देता हूँ, आप सभी देख रहे हैं स्टार्क टेक्नोलॉजी और मैं हूँ आपके साथ हमेशा की तरह रोनी स्टार्क। तो चलिए फिलहाल वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। देखिए, ये जो गेमिंग अकाउंट है, लाइक यहाँ पे बात करें तो फ्री फायर की, क्योंकि अभी तो ज्यादा इंडिया पे फ्री फायर गेम ही बैटल रॉयल पे खेला जाता है। अब गाइस, यहाँ पे बात करेंगे फ्री फायर की, तो आप लोग पहले ये सोचो कि कितने सारे बंदे का फ्री फायर अकाउंट जो है, जो अकाउंट फेसबुक के साथ कनेक्टेड है, वो हैक हो जाते हैं। फेसबुक अकाउंट जब हैक हो जाते हैं, जैसे कि कोई बंदे का फेसबुक ब्लॉग लॉक हो चुका है, आप लोग अगर गेरिना यानी जो फ्री फायर के टीम है उनके पास अगर मैसेज करते हैं कि भाई मेरा फेसबुक अकाउंट बैन हो चुका है या फिर बंद हो चुका है या फिर हैक हो चुका है, तो मुझे मेरा गेमिंग अकाउंट वापस चाहिए, तो आपको कोई भी रिप्लाई नहीं आते हैं, या फिर गेमिंग टीम जो है वो आपको रिप्लाई करके कहते हैं कि सॉरी, इस तौर पर हम कुछ नहीं कर सकते, ये थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है, इसी वजह से हम इस तौर पर आपको कुछ नहीं कर सकते। तो गाइस, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। देखिए, ये जो चीज़ है, अगर आपके मान लो फेसबुक अकाउंट किसी भी तरह के लॉक हो गए, हैक हो गए या फिर ब्लॉक हो गए, उसके जिम्मेदारी फ्री फायर गेरिना फ्री फायर को नहीं है, क्योंकि आपकी खुद की गलती है। वो लोग कहते हैं आपकी खुद की गलती है, वो जो कंपनी से उनका जिम्मेदारी नहीं है, इसी वजह से वो लोग कोई एक्शन नहीं लेते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे इंडिया पे जो है आपका फेसबुक अकाउंट, आपके जो इंडिया पे फेसबुक ब्लॉक कर दी गई, मतलब अगर इंडिया पे पूरी तरीके से फेसबुक को ब्लॉक कर दी गई, तो यहाँ पे गेरिना एक्शन लेंगे। एंड मैं आपको 100% कहता हूँ, गेरिना ऐसे कुछ आपको गेम के अंदर, इन गेम के अंदर फेसबुक से आपके जो गेमिंग अकाउंट है, ना कि फेसबुक अकाउंट, आपके जो गेमिंग अकाउंट है, जितने भी बंडल्स है, जितने भी कस्ट्यूम्स है, जितने भी आपके टूल्स है गेम के अंदर, लाइक पबजी हो या फिर फ्री फायर हो, तो जितने भी टूल्स है आपके, उसके साथ आपके जो फेसबुक अकाउंट था फिलहाल जो इंडिया पे लॉक होने वाले हैं, या फिर अगर हो जाते हैं, इन केस हो जाते हैं, तो गेम कंपनी आपको गेम के अंदर, इन गेम के अंदर एक ऐसे ऑप्शन देंगे कि आप लोग अपने फेसबुक अकाउंट को गूगल के साथ, या फिर गेम के अंदर जैसे फ्री फायर के अंदर वीके अकाउंट रहते हैं, तो वीके के साथ आप लोग बाइंड कर पाएंगे। मैं आपको 100% कहता हूँ, आप लोग निश्चिंत रहिए, आपके जो गेमिंग अकाउंट है वो किसी भी तरह लॉस्ट नहीं होने वाले हैं, क्योंकि ये गेम का कहीं ना कहीं गेम के खुद का एक जिम्मेदारी रहते हैं। हमारे जो ऑडियंस है, जो गेम प्ले करते हैं, पैसे लगाते हैं, कस्ट्यूम खरीदते हैं या फिर कुछ भी, बहुत सारे चीज करते हैं, टाइम देते हैं, मेहनत करते हैं, कुछ कुछ लोगों का तो फ्यूचर भी बन जाते हैं इसके अंदर। तो इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोगों का गेम के अंदर, गेम कंपनी दूसरे किसी अकाउंट पे अपने गेम अकाउंट को बाइंड करने के यानी ट्रांसफर करने का कहीं ना कहीं ऑप्शन दे देंगे, तो आप लोग बेफिक्र रहिए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ जाते हैं गाइस, अगर हमारा फेसबुक इंडिया पे बंद हो जाते हैं, तो दूसरा हमारा और भी बहुत सारा अकाउंट के साथ फेसबुक कनेक्टेड था, तो उसका क्या होगा? तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर दूसरे चीज़ का मुझे उतना भी नॉलेज नहीं है, लेकिन यहाँ पे गेम की बात करें तो आपको गेम के अंदर बाइंड का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन गाइस, यहाँ पर कहीं ना कहीं बात निकल के आते हैं कि इंडिया पे इतना ज्यादा लोग फेसबुक यूज करते हैं कि आपको क्या ही बताए। जैसे कि गाइस, मैं आपको बता दूं, 26 मई यानी आज के तारीख को फेसबुक पूरी तरीके से बंद होने वाला था इंडिया पे, लेकिन अभी तक नहीं हुए है। तो इसका रीजन एक है, फेसबुक कंपनी ने थोड़ा सा वक्त और मांगा है अपने जो गवर्नमेंट लॉ है उस लॉ को फॉलो करते हुए अपने सिस्टम को और भी अच्छे तरीके से इम्प्रूव करने के लिए। तो गाइस, आप लोग बेफिक्र रहिए, यहाँ पे दावा की जा सकती है 80% आपका इंडिया पे फेसबुक ब्लॉक नहीं होंगे। ये मैं 100% नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि आप लोग अंदाजा लगा सकते हो फिलहाल की मार्केट प्लेस पे फेसबुक कितने बढ़िया एक कंपनी और कितने बड़ी तरीके से फैल रखे हैं। तो यहाँ पर ये अंदाजा लगा कर आप लोग ये चल सकते हो कि भाई आपके जो फेसबुक अकाउंट है वो ब्लॉक नहीं होंगे।
होने वाले हैं। मैं आपको 100% नहीं कह रहा हूँ, लेकिन लेकिन गाइस यही आपको इन फ्यूचर दिखने के लिए मिल जाएंगे। तो आप लोग बेफिक्र रह सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। हालांकि अगर ब्लॉक भी होते हैं तो टेम्पोरेरी कुछ दिन के लिए हो सकते हैं, 1 हफ्ता या फिर 15 दिन या फिर 14 दिन, ऐसे कुछ दिनों के लिए टेम्पोरारी फेसबुक जो है वो बंद हो सकते हैं, लेकिन गाइस परमानेंटली नहीं होंगे, क्योंकि इतने बड़े कंपनी और गाइस यहाँ पे बात की जाए तो फेसबुक के साथ बहुत सारा लोगों का बिजनेस के साथ साथ और भी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ कनेक्टेड है। तो इसी वजह से इस बात को ध्यान में रखते हुए, फेसबुक का खुद का कुछ लॉ है उसको ध्यान में रखते हुए, फेसबुक अभी अभी अपने सीनियर जो टीम जो कि यूएस यूके में है उनके साथ बात करके इंडियन गवर्नमेंट लॉ को फॉलो करते हुए इस रूल्स को और भी अच्छे तरीके से इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो गाइस मुझे उम्मीद है आप लोग समझ चुके होंगे। अगर आपके गेम को लेकर कोई भी डाउट था मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। अगर आपको किसी भी तरह के सवाल है, सुझाव है, मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, आइए मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक आप सारे लोग बेहद खुश रहिए, साथ ही साथ अपने फैमिली का एंड खुद का अच्छे तरीके से ध्यान रखिए, और जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते जाइए।